क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। तो मिरर मुरर भी नहीं लगाए, क्या वजह? मिरर तो नहीं लगाए, हेलमेट का पता है, हेलमेट का पता है, मिरर का भी बता रहे हैं, लगा लें इनको। एक जगह बनाई हुई है इधर, बहुत अच्छी बात है। लगाना है दोनों, लगाने दोनों 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 तरफ से पता हो ना। ठीक है, है? राइट का व्यू भी देख सकें, लेफ्ट का भी देख सकें। ठीक है सर। तो ये लेफ्ट पे चलाते हैं गाड़ी मोस्टली आप, फोर्थ लेन पे? इसी ट्रैक पे, जो हमारा ट्रैक है मोटरसाइकिल वाला, उसी ट्रैक पे चलाता हूँ। उसका फायदा है ना? बिल्कुल है सर, हमें पता कि हमारा ट्रैक की बाइक का ये है, तो हमने उसी ट्रैक पे ही जाना है। बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी 90% लोग उधर चलाते हैं, उधर जाते हैं। ये सेंसिटाइज करने की जरूरत है लोगों को। जब हम और आप मिलकर इकट्ठे सेंसिटाइज करेंगे तो डेफिनेट इसमें अमल दरामद होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से? ठीक है आपकी? जी शुक्र मान। लेफ्ट में ही चलाते हैं मोस्टली? जी सर जी, मैं लेफ्ट पे जाता हूँ। चौथी लेन में? जी नहीं, इसी लेन में, इसी जहाँ हम खड़े हैं, खबी साइड पे जाता हूँ। हाँ, इसका फायदा पता है ना? जी सर जी, अपनी भी जान की हिफाजत करें, अगले की जान की भी हिफाजत करें। साइड पे उस लाइन पे जाने से जो है ना नुकसानदेह है। एक मिरर इधर भी लगवा ले एहतियातन। सर जी लगा हुआ था ना, राइट लगा, उतार लेता कोई? नहीं नहीं, उतार नहीं लेता, किसी ने तोड़ दिया है ना। बाइक साइड पे खड़ी थी मैं, बरका मार्केट से। सर जी दोबारा लगवा दीजिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दोनों जब बाइक ली है ना, ये दोनों मैंने लगाए हैं। चले कोई नहीं, प्लाजा में सजी मुलाजम हूँ मैं। और हुक्म सर, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल है अदर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आसने दोनों भाई मिरर भी लगाए हैं, क्या बात, हेलमेट भी पहना हुआ, ये तो बिल्कुल आज इलेक्ट्रिक हो ही गया फिर। सही बात भाई, अमल दरामद कार्य कानून पे हम आपको सलूट करते हैं। ठीक है जी, कानून जरूर। लेफ्ट पे चलाते हैं? लेफ्ट पे चलाते हैं, सलामत रहे, खुश रहे। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है रोड के ऊपर, जिसकी वजह से ना एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रा कंट्रोल हो। सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन अगर हो तो ये बड़ी खुली डुली सड़कें बन जाएं। सबको बताएं, अपने दोस्त को बताएं, अपने दिगर भाइयों को बताएं कि प्लीज़ डिसिप्लिन की पाबंदी करें, इसी में बेहतरी है हमारी। करेंगे तो फिर हमें देख के दूसरे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या बता रहे हैं जी इन्हें आमिर साहब? ये इनको यही बता रहे हैं कि बाएं लेफ्ट में रह कर चलें, ताकि उससे ये होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फ्लो ट्रैफिक का बेहतर रहता है, क्योंकि सारी बाइक्स होती हैं उनमें इजीली जो है क्रॉसिंग भी आप कर सकते हैं। और ऐसे होता है कि अगर आप पहली लाइन में जा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो उससे पीछे गाड़ी जो है वो आपको कुचल सकती है। तो इससे हम कहते हैं कि इनको लेफ्ट साइड में रहें, मिरर का इस्तेमाल करें, ताकि वो आपका जो साइड व्यू है वो क्लियर रहे और आपके जो एक्सीडेंट के चांस हैं वो कम हो जाते हैं, तो तकरीबन 10% तक उसमें कमी आती है। तो ये इनको ब्रीफ कर। ठीक है सर, बिल्कुल जी, इससे फ़ायदा भी होगा ना? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ठीक है, आप तो वैसे भी लेफ्ट पे ही चलाते हैं? हाँ जी, इसी को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, और ये मिरर मुरर लगा लेंगे ना? जी बिल्कुल, तो मिरर दंदी नहीं काटता। जी सही कह रहे हैं आप, कुछ नहीं कहता, आपकी हिफाजत ही करता। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खैरियत है जी? तो लेफ्ट पे चलाते हैं मोस्टली गाड़ी, लेफ्ट पे। और इधर कोई मिरर मुरर भी लगा लें? लगवाने जरूरी है, बस है ना, भूल जाते हैं, लगवाने जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ना, भूला ना करें। नाश्ता करना तो नहीं भूलते आप यार? नहीं नहीं भूलते, है ना, रोज करते हो ना नाश्ता? हाँ जी, तो ये भी इंशाल्लाह लगवाएंगे, बेफिक्र रहें आप, इंशाल्लाह लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये यहाँ की जी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अदर साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो इतनी अच्छी बाइक रखी हुई है यार, मिरर नहीं लगवाया? सर एक मिरर टूट गया था और एक पड़ा चोरी हो गया। अच्छा एक पड़ा है, कौन सा पड़ा है? पता नहीं, दोनों दोनों में से एक पड़ा हुआ। तो लगा लेना यार एक। चलो सर लगा लेंगे इंशाल्लाह, दूसरा भी मंगवा ले। वो जोरा कट्ठे किस स्पीड पे चलाते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बाइक है, 90-100 पे तो चलाते ही होंगे? नहीं नहीं, मैं 60 से ऊपर नहीं जाता। 60 ठीक स्पीड है जी, मैं 60 से ऊपर नहीं जाता। ये बस जो 40 उन्होंने रिकमेंड की हुई है हमारी, जो सेट की हुई ना, मैं उस पर चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हेलमेट उस पर कैसे पहन रहा हूँ जब ये 50 टेम्परेचर भी हो ना, मैं उस वक्त कैसे हेलमेट पहन रहा हूँ? मैं कई दफ़ा गिरा हूँ, मुझे हेलमेट ने बचाया। मैं कई दफ़ा मेरे एक्सीडेंट हुए हैं, मुझे हेलमेट ने बचाया। एक्सीडेंट आप कहाँ रहते हैं? मैं सर फतेहगढ़ में रहता हूँ जी, फतेहगढ़ में रहता हूँ। तो आप अपने गाँव के लोगों को बताओ, यंग लड़कों को बताएं, अपने दीगर दोस्तों को बताएं कि आप भी ऐसा करें, आप भी हेलमेट पहले, आप भी बैक मिरर लगाएं और आप भी इंतहाई लेफ्ट लेन में चले। मैं आपको बता रहा हूँ, जब 50 टेम्परेचर इतनी गर्मी होती है ना, मैंने कभी हेलमेट नहीं उतारा।
देखना मैं कई दफा गिरा, मुझे हेलमेट ने बचाया। बालों के खराब होने के डर से मत हेलमेट उतारे, बाल दोबारा भी आ जाएंगे मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए हेलमेट पहने। अच्छी मेहम है आपकी, बहुत अच्छी मेहम आप चला रहे हैं। बस हमारे हिस्सा बने, हमारे साथी बने और तमाम लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मोस्ट लेफ्ट पे ही चलाएं जैसे आप चलाते हैं? इंशाल्लाह ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे ही चला रहे हैं और लेफ्ट साइड पे ही आ रहे थे। हाँ लेफ्ट पे चला रहे हैं तो आपकी हमारे साथ इंटरेक्शन हुई है। जो लेफ्ट पे नहीं चला रहे वो देखें चलते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, और उनकी तादाद 90% है, इससे भी ज्यादा। मेरा ख्याल 10% भी लोग फोर्थ में नहीं आते। हाँ हार्डली 10-20% जो अभी लेफ्ट पे चल रहे हैं, बाकी तो सारे राइट पे चल रहे हैं। अभी इसका मिरर वगैरह भी अगर लगाते थे आप जो है, अच्छी बात है कि हमारा फायदा ही है इसमें कि अगर हम इस पे डिसिप्लिन बनाए, एक डेवलपमेंट लाएं, इसमें अच्छी बात है कि ट्रैफिक के काफी। तो वहाँ पे लोगों को आप बताते हैं ये बात, अपने साथी को बताएं कि ये ट्रैफिक पुलिस ये कर रही है आप लोगों के लिए, तो खुदा के लिए हेलमेट पहले, बैक मिरर लगाएं और इंतहाई लेफ्ट लेन में चलें, हम आपके लिए खड़े हुए हैं, हमारा साथ दें, लोगों को ये बात कन्वे करें प्लीज़, हमारी आपसे दरख्वास्त है, ये लाजमी कन्वे करें लोगों को, ताकि अगर आपने आपकी वजह से एक ज़िंदगी भी बच गई तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इतना बड़ा काम आप करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं हमारा एम्बेसडर बनना, क्यों नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। आप ये हमारा मैसेज तमाम लोगों तक पहुँचाए इंशाल्लाह, क्यों, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ जी आवे का आवा इसलिए बिगड़ा हुआ है कि कोई अमल दरामद इस पर नहीं हो पाता, और आप जिस लेन में हम खड़े हैं ये चौथी लेन बनती है, चौथी लेन में इक्का दुक्का बाइक वाले आते हैं, बाकी सारे वो आप दिखा सकते हैं कैमरामैन अगर, कि आपको बाइकर मोस्टली सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड लेन में वो मूव करते दिखाई देंगे, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए, और वो आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलों के गोल दर गोल जब जा रहे हैं यहाँ से कितार अंदर कितार, तो वो यहाँ से गुजरते हुए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर खूबसूरत कोट आपने पहना हुआ है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। तो ये इधर कोई मिरर मुरर भी लगा लेते खूबसूरत सा बैक मिरर बैक व्यू के लिए, ठीक है वो अंदर से इसको फॉलो करेंगे। अभी इन्होंने गाइड किया कि हमें करना चाहिए, इसमें हेलमेट एक अच्छी चीज़ है, अब इन्होंने कहा साइड मिरर हमें पीछे देखने से बचा था, काफ़ी डिफिकल्टी होती पीछे देखते थे, तो इंशाल्लाह इसको आगे इसको फ्यूचर। फोर्थ लेन में ही चलाते हैं ज़्यादा गाड़ी? नहीं थर्ड, मैं अभी थर्ड से ही आया हूँ फोर्थ में। थर्ड लेन में चला सकता है जी बाइकर? फोर्थ लेन में चलानी चाहिए, फोर्थ लेन में सेफ्टी है, फोर्थ लेन में चलाएंगे तो इनकी सेफ्टी होगी, इनकी आखिरी लेन बनती है। बिल्कुल इंतहाई नहीं भी लेन है, आखिरी लेन इंतहाई लेफ्ट, इंतहाई लेफ्ट आखिरी लेन सिर्फ बाइकर की है जी, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट सबसे लेफ्ट जो लेन है वो बाइकर की। हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट जो बनती है। देखिए ये सिटी पीएल आपके लिए खड़ी हुई है, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, आप लोगों को बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए, तो हमारी आपसे सबमिशन है, ये हमारी हम्बल सबमिशन है कि हमारा ये मैसेज आप अपने दोस्तों तक, अपने क्लास फेलो, अपने कुलीग तक पहुँचाए कि बाइक को इंतहाई लेफ्ट लेन में चलाएं, ठीक है जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हजरत साहब क्या हाल है, बड़ा रंग बिरंगा हेलमेट है आपका माशाल्लाह जी, बिल्कुल। कैसे हैं आप, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो गाड़ी लेफ्ट भी चलाते हैं ना, मोस्ट लेफ्ट? बिल्कुल लेफ्ट में जी। फायदा होता है इसका जी? बिल्कुल फायदा होता है, है ना? हाँ जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा इधर लगा भी लें कोई शीशा वगैरह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, कैसे हैं आप? हजरत साहब लेफ्ट पे चलाते हैं ना गाड़ी? जी लेफ्ट है ना, इंशाल्लाह। बड़ा फायदा नहीं होता उसका? हाँ जी बहुत फायदा है। और राइट पे आप चलाएंगे तो पीछे से? मैं वो तो कभी भी नहीं चलाई, हैवी गाड़ियां भी आ रही हैं। हाँ जी ठीक है, एक साइड तरह। और मिरर मुरर अगर लगा लेंगे तो? नहीं वो तो देखे ही नहीं जाता, छोटे छोटे बना देते ना उन्होंने, समझ ही नहीं, देखा जाता देखा नहीं जाता, कहते छोटे छोटे ने तो पहले होंगे थोड़े बाहर आ जाते छोटे। अच्छा आपके जवान बच्चे जवान होंगे आपके माशाल्लाह? मेरा बेटा जवान है। कितनी एज है उनकी? 21 साल है। तो आप उनको भी ब्रीफ करते हैं कि वो हेलमेट पहले, क्या वो हेलमेट पहनते हैं? पहनते हैं बिल्कुल, एक ही बाइक है दोनों। बस अपने बेटे को और अपने दीगर लोगों को जरूर बताया कि वो हेलमेट पहने और इंतहाई लेफ्ट लेन में चले, इंतहाई लेफ्ट लेन में चले। हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि इसमें आपकी सेफ्टी है, इसमें आपकी सेफ्टी है, आपकी पूरी फैमिली की सेफ्टी है, इसका मतलब है। तो खुदा के लिए हमारा ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचाए, हम आपके मशकूर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। तो सर बाइक लेफ्ट पे ही चलाते हैं ना आप? हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, और इसका पता है ना आपको, फ़ायदा पता है लेफ्ट पे चलाने का? लेफ्ट पे चलाने का इस तरह के ये हमारे लिए बेहतर है,
वहाँ पे हैवी ट्रैफिक होती है इसलिए हम लेफ्ट पे कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा किया आपने एक मिरर लगाया, दूसरा मिरर भी अगर लग जाएगा इधर बैक मिरर ठीक है ना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू। सफर लंबा होता है इसलिए ये लगाया हुआ है। इधर भी लगा लेना इंशाल्लाह, जरूर इधर भी जाना पै सकता है। क्यों जी, वेलकम जी, बहुत सारे शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस आप? ये ठीक है आपकी? तो इधर मिरर मुरर भी जरूरी है ना? बिल्कुल, लेफ्ट पे चलाते हैं मोस्टली गाड़ी, लेफ्ट पे चलाते हैं, फायदा भी होता है उसका। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैं, एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने जिस शहरी को भी रोका है उसमें एहसास है, वो समझता है कि मिरर भी होना चाहिए, वो समझता है कि मुझे लेफ्ट लेन में भी चलना चाहिए और मुझे स्पीड भी कम रखनी चाहिए। देखिए इस बात का शहरियों को पता है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सेंसिटाइज करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी। वो इंशाअल्लाह हम और आप मिलेंगे, हमारे CTO साहब जो कि इस काम में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है वो इसको इम्प्लीमेंट करने में, और मेरा ख्याल है कि हम कामयाब हो जाएंगे अगर हम ऐसे लग रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, मोस्ट लेफ्ट पे अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, मोस्ट लेफ्ट पे अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आप वार्म वाटर्स में हैं, वो ज़िंदगी आपकी जा भी जा सकती है, और आपकी गफलत से अगर हादसा होगा तो वो तकदीर नहीं है, नेग्लिजेंस है। आपकी गफलत से अगर कोई हादसा होगा तो वो बहुत बड़ी जो है नेग्लिजेंस का नतीजा है जिसकी वजह से ये हादसा हो। अदरवाइज़ दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।